अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अनम तारिक और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ नई सुबह खुद मुख्तार की जानिब से। ये हम जो वर्कशॉप करवा रहे हैं ये है इंटरनेट गवर्नेंस पे। और इंटरनेट गवर्नेंस मेनली जो बीइंग इंटरनेट यूज़र, हम लोगों का जो ग्लोबल इंटरनेट पे जो हमारा हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। और इसमें हमारे साथ जो मौजूद हैं नई सुबह के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, सलमान खालिद, नादिया और अली। ये लोग एक इंटरनेट गवर्नेंस पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे। ये अपनी लर्निंग भी शेयर कर रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट स्पीकर जो कि हैं डॉक्टर मोहम्मद शबीर अवान। और ये सीईओ हैं पाथ फाइंडर सॉल्यूशंस के। और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे चल के बता रही होंगी, जो कि हमारे मेन स्पीकर हैं जो कि आपको इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में डिटेल में चीज़ें बता रहे होंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और ये आप लोगों से शेयर करेंगे इंटरनेट गवर्नेंस पे कुछ चीजें। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान खालिद, ये आपसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर पॉइंट्स शेयर करेंगे। और फिर हमारे साथ है नादिया सबा, ये आपसे डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर बात करेंगी। और फिर अली खान तरीन आप लोगों से एक्सेसिबिलिटी एडवोकेसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करती हूँ विदाउट एनी डिले सलमान खालिद और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी सलमान खालिद। जी सलमान खालिद। अभी इंटरनेट का कुछ इश्यू आ रहा है सलमान खालिद की तरफ, तो हम स्टार्ट करते हैं नादिया से। तो नादिया डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगी। जी नादिया। अच्छा अनम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना वाला पार्ट कर लूं या नादिया के साथ स्टार्ट करें? चलिए नादिया के साथ स्टार्ट करते हैं फिर। जी हम स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम पार्ट जी करते नादिया। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली? जी आ रही है। ऑलराइट जी, हम इंटरनेट गवर्नेंस पर बात कर रहे हैं और इसमें जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, जो कि इंडिविजुअल यूजर्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे भी जब डाटा शेयर किया जा रहा होता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले प्राइवेसी की बात करें तो वी ऑल नो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग सीक्रेट, ठीक है। और अगर डिजिटल प्राइवेसी की बात की जाए तो इसमें टू प्रोटेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूज और क्रिएटेड बाय यूजिंग द इंटरनेट ऑन अ कंप्यूटर और पर्सनल डिवाइस। तो जो डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे डेटा ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसकी इंपॉर्टेंस, उसको सेफ रखना, उसको सिक्योर रखना दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। और उसमें डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं प्राइवेसी में हमारे पास, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन इसमें सबसे पहले, राइट। और इसमें इट प्रोटेक्टिंग, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी नादिया, आवाज आ रही है? जी नादिया, आवाज आ रही है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेटा और इंडिविजुअल्स डेटा फ्रॉम टेक्निकल इशू और साइबर अटैक। अगर सेकेंड डोमेन की बात करें हमारे, कि डेटा सिक्योरिटी, यानी कि इसमें बात की जा रही होती है, इस पर काम किया जा रहा होता है, इसमें जो मेन डोमेन होती है कि डिफरेंट
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसेस और मेथड्स टू सिक्योर डाटा, ठीक है। और फाइनली अगर हम डाटा प्राइवेसी की बात करें तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स टू एक्सेस डाटा, और इसके साथ साथ रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा, ये तमाम चीजें इसमें कवर की जा रही होती हैं। और डाटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साइबर क्राइम का जो रिस्क होता है वाइल यूजिंग इंटरनेट, इसको कम से कम करने के लिए, और साइबर अटैक जो इसको अगर हम थोड़ा डिफाइन करें कि जो हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है इंटरनेट पर, ठीक है, इंडिविजुअल की हो या फिर कलेक्टिव जो डाटा मौजूद होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, अनऑथराइज्ड वे से अगर उसको कोई एक्सेस करने की कोशिश करे किसी भी डिवाइस पर, कंप्यूटर भी या फिर पर्सनल डिवाइस वगैरह पर, तो उस अटैक को उस अटैक के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए साइबर सिक्योरिटी या प्राइवेसी वगैरह ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, और हमारे नॉलेज में और हमारे अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में कि हम किस तरीके से अपना जो डाटा है, अपनी इंफॉर्मेशन है, वो ऑनलाइन इस्तेमाल करें या उसको सिक्योर करें, या वो तमाम फीचर्स जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं वाइल यूजिंग आर डिवाइस और कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, उन तमाम को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी एप्लीकेशंस हो, सॉफ्टवेयर्स हो, या डिफरेंट वेबसाइट्स को अगर हम एक्सेस वगैरह कर रहे हो, तो उन चीजों को प्रैक्टिस में रखें ताकि हमारी जो साइबर अटैक का हमारे अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर कम से कम रिस्क हो सके। और इसी पर्पस के लिए साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा मैकेनिज्म है जो कि साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और डाटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट भी इसी वजह से है कि क्योंकि इसमें इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखें तो ये एक तो यूजर की इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है, अगर अनऑथराइज वे से किसी भी तरीके से हैक की जा रही हो किसी की इंफॉर्मेशन, तो वो फिर यूजर को डिफ्रॉड भी कर सकते हैं, हरास भी किया जा रहा होता है। और अगर आप कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट पे जाकर देखें तो कस्टमर का और ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए और क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए, इसके साथ साथ आपकी जो सर्विसेज हैं इन्हें ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए और एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बिटवीन टू पार्टीज, ये साइबर सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म की ऑल दो हमारे जो पर्सनल डिवाइसेस होती हैं और कंप्यूटर वगैरह होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं सिक्योरिटी में जाकर, तो वो तमाम ऑप्शंस जो हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड दिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी लोकेशन की एक्सेस जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्स को इस्तेमाल करते हुए, और फिर जब भी कोई भी ऐप हम यूज कर रहे होते हैं तो मोस्टली उसमें अगर हम आपको हमें कैमरा को या फिर डाटा को, गैलरी को एक्सेस देनी पड़ी होती है, माइक्रोफोन को देनी पड़ी होती है, तो वो तमाम चीजें इस्तेमाल करते हुए इन चीजों का ख्याल रखें कि एक तो परमानेंट एक्सेस ना हो, क्योंकि बहुत सारी एप्स में ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं कि ओनली दिस टाइम व्हाइल यूजिंग दी ऐप, तो वो तमाम चीजें अवेल करनी चाहिए। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी में जाकर, परमिशंस में जाकर ये भी रखना चाहिए कि अगर आपकी ऐप लॉन्ग टर्म में यूज नहीं हो रही तो वो ऑटोमेटिकली जो परमिशंस है वो सारी की सारी डिनाई हो जाए। और इसके साथ साथ, अच्छा इसकी बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल है, हम अक्सर करते हैं ना यूट्यूब फोन पास पड़ा हो तो यूट्यूब के बाद कोई बात भी कर रहे हो कि इस टॉपिक पे या उस टॉपिक पे रिसर्च की बात कर रहे हो, तो जब हम यूट्यूब को ऑन करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में वो तमाम टॉपिक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी भी वजह यही है क्योंकि गूगल को भी हमने एक्सेस प्रोवाइड की होती है जब अपनी डिवाइस पे, तो माइक्रोफोन को, तो वो तमाम चीजें वहां पे स्कैन होती है और ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो चीजें उसके सामने शेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो मेन चीजें हैं, और बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, ये हम सबके नॉलेज में होना चाहिए कि जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट एप्स यूज करें, वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो या फिर डिवाइसेस यूज कर रहे हो, तो जो प्राइवेसी का एलिमेंट है या अपने डाटा को सिक्योर रखने का एलिमेंट है उसके बारे में जानना और उसको अप्लाई करना, क्योंकि जस्ट अगर हम ये कर दें कि जी डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल करी जा रही है, और खासतौर पर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि वो आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी गैलरी की इंफॉर्मेशन है, इवन जो पिक्चर्स हैं और वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, उनपे एक्सेस बड़ी आराम से हो जाती है। और बहुत से आपने खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे न्यूज में, इंटरनेट पे, टेलीविजन पे, न्यूज में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मोबाइल फोन बेच दिया और तो डाटा रिट्रीव हो गया, और हमने तो फैक्ट्री सेटिंग की थी और ये था वो था, तमाम चीजें जारी होती है। लेकिन आपने अगर लैपटॉप की बात करें, अगर आपने इसको सेल भी करना हो, ठीक है, तो इसका हार्ड डिस्क जो है उसको रिप्लेस करके करें, ठीक है, जो आप यूज करें उसको उस लैपटॉप के साथ बिल्कुल भी सेल करने की कोशिश ना करें, आपकी अपनी प्राइवेसी के, डाटा की प्राइवेसी के लिए जरूरी है। और सेम एज विद मोबाइल डिवाइसेस,
इसमें तो आप फैक्ट्री सेटिंग भी कर देंगे तब भी आपका जो डाटा है वो एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि जो इंटरनेट गवर्नेंस का अगर आप अभी सलमान खालिद इसका इंट्रोडक्शन भी आपको देंगे तो पूरा एक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई एप्लीकेशन आपको कह रही है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड डाटा है, इवन दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी उस चीज को नहीं सुन रही या देख रही, लेकिन फिर भी उसके पास वो डाटा सारा स्टोर हो रहा है और उसका एक्सेस उसके ऊपर है। तो इसलिए मोबाइल डिवाइसेस के बारे में कोशिश करें तो उसे सेल करने की बजाय पास ही रखें, और जो कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह है तो इनकी हार्ड डिस्क को चेंज करने के बाद फिर सेल करने की करें। तो ये मेन चीज जो मैंने सीखी थी वाइल आईजी कॉन्फ्रेंस, तो मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई होप कि आप सब लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद रह सकेगी। थैंक यू। थैंक यू नादिया। अब हम आगे चलते हैं अली खान तरीन की तरफ, जो कि आपको एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल एडवोकेसी के बारे में बताएंगे। जी अली। आई एम हियर अनम। पहले सलमान खालिद आप लोगों को बताएंगे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के बारे में। जी सलमान। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस हाईली इंफॉर्मेटिव सेशन। जैसा कि नादिया ने बताया, आई वाज वन ऑफ द लकी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये जबरदस्त ट्रेनिंग अटेंड की। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक बहुत भरपूर गैदरिंग थी, होस्टेड बाय एंड कंडक्टेड बाय डॉक्टर शबीर। वो आगे चल के इसके बारे में बता भी रहे होंगे। वहाँ पे जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें हमने वहाँ पे बीग विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें हमने हाईलाइट की और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस किए, एक अच्छे तरीके से नेटवर्किंग करने की कोशिश की। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस अ थिंग और टू अबाउट दैट, ताकि टू एंड दिस होल थिंग उस किस तरह से थ्रू एडवोकेसी इन चीज़ों को भी फर्दर इन गैप्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो अली खान तरीन उस पर बात कर सकते हैं। देखें, जब हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम जिस तरह एक फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसको एक स्मूथ इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक ऑब्स्टिकल फ्री। सेम गोज ऑन द स्पेसेस, जो ऑनलाइन इन्वायरमेंट के अंदर, स्पेसेस के अंदर जब हम एक साइबर वर्ल्ड में एंटर होते हैं, तो उसमें क्या क्या हिंड्रेंसेज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें रखी भी, मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें आपके साथ उनके पॉसिबल सोल्यूशन जो हमने कुछ डिस्कस किए वो शेयर भी करना चाहूँगा। फिर एंड में आप इनसे मुतालिक मजीद भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जो है, वो जनरली इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कोई भी, नॉट जस्ट विजुअली इम्पेयर्ड। ऑल्दो मेरी इस छोटी सी टॉक का फोकस विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस होगी, लेकिन कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी के मोटर स्किल्स का इशू है, समटाइम हैंड हैंड कोऑर्डिनेशन के इशूज होते हैं, आप कीबोर्ड टाइपिंग नहीं कर सकते किसी भी इस तरह के इशू की वजह से, तो उसमें भी आपको अल्टरनेटिव एक्सेसिबल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक कंटेंट को जो ऑनलाइन अवेलेबल है या इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म, किसी भी वो फॉर्म में अवेलेबल है, उस तक अगर हमारी रसाई है, तो फिर ऑब्वियसली द यू नो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का जो एक पूरी फील है, वो हमें वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम एक इंटरेक्ट सही से कर पाते हैं, कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम, वो कोई भी हमारा स्क्रीन रीडर हो सकता है, लाइक जॉज, एनवीडीए, अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे वॉइस ओवर, टॉक बैक, वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर वर्किंग विद, तो उसकी मदद से हम अपने रोजमर्रा की चीजों को किस हद तक एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या फिर हिंड्रेंसेस होती होती है। जी सलमान, आपकी अब आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है जो सलमान, आपकी आवाज क्लियर नहीं है है। वो आप बीइंग विजुअल, सॉरी, एम आई एक्सेसिबल? हाँ अब सही ओके, इज इट बेटर नाउ? है। यस यस इसके जो हमें इश्यूज फेस करने पड़,
रेलिवेंट लोगों के नोटिस में लेके आए। जिस तरह डेवलपर्स हैं जो वेब कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं बैक एंड में, उनको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, थिंग्स शुड बी कोडेड इन अ वे कि वो हमारे स्क्रीन रीडर के साथ एक्सेसिबल हो। ये भी चीजें हमने वहां पे हाईलाइट की। फिर जो इनएक्सेसिबल इंटरफेसेस हैं, तो जो डिजाइनर्स हैं उनको सिंप्लिसिटी पे और जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस हैं उस पे फोकस करना चाहिए। वो किस तरह कर सकते हैं? देखें, एक चीज है जो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वेब डिजाइनर्स की तरफ से, WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे बहुत सी चीजें इस पैरामीटर के ऊपर बेस नहीं करते, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर करने में इश्यूज होते हैं, हमें बहुत सी लोकली डिजाइन एप्स उसको हमें अच्छे तरीके से हम गो थ्रू नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर्स। एंड देयर आर मेनी अदर सच पब्लिक सेटअप प्लेटफॉर्म के जहाँ पे हमारी एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम उसे कर नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ आर स्क्रीन रीडर्स, बट द थिंग इज वो एक कंपैटिबल वे में हमारे स्क्रीन रीडर और हमारी एक्सेसिबिलिटी नीड्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन नहीं हुई होती आमतौर पर। जिस तरह टेक्स्ट इमेजेस मिसिंग होते हैं, जो सपोर्टिव टेक्स्ट होता है कि इमेजेस के अंदर समटाइम्स वो नहीं होता, फिर इनएक्सेसिबल फॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर कैप्शनिंग नहीं होती, स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने में भी इशू आते हैं। फिर कुछ लोगों ने कैप्चा का अल्टरनेटिव नहीं रखा होता, ये भी हमने पॉइंट रेज किया। कैप्चा जब हम हमें एक ह्यूमन एक्सेस के तौर पे जब हम वेरीफाई करते हैं कि हम कोई कोई रोबोटिक एक्सेस तो नहीं है, तो वहां पे जो बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, या उन्होंने एक हमेशा ऑडियो चैलेंज दिया होता है जो कि मिसिंग होता है आमतौर पर यहाँ इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जहां जहां कैप्चा आए, कोई भी फॉर्म फिल करना है, मेंबरशिप लेनी है, हम वहां पे स्टक हो जाते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, इन दी एंड मैं बात करूंगा एक एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पीटीए जो है हमारी तरह हमारे मुल्क में, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, डॉक्टर शबीर रहमान का उनके साथ काफी इंटरेक्शन भी रहता है और ये पाकिस्तान की विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी की तमाम तक चीजें उन तक कन्वे भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनके पार्ट पे एक अगर एक्सेसिबिलिटी हेल्पलाइन डेस्क एस्टेब्लिश किया जाए, कोई हेल्पलाइन हो जहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स रिपोर्ट कर सकें कि ये फलां प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, जो कोई भी ऑनलाइन जो सेटअप प्लेटफॉर्म है वो इनएक्सेसिबल है, वो स्क्रीन रीड फ्रेंडली नहीं है, और थोड़ी सी गाइडलाइंस को फॉलो करने की मदद से आई थिंक थिंग्स कैन बिकम प्योरली एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली। तो मजीद जो है इसमें थ्रू एडवोकेसी या कंपेन्स किस तरह से इस सारी चीज को टेकअप किया जाता है, ओवर टू अली खान तरीन फॉर दैट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सलमान खालिद। और अब हम चलते हैं एक्सेसिबल एडवोकेसी की तरफ, और उसके बारे में बताएंगे हमें अली खान तरीन। जी अली। जी सब, थैंक यू सो मच शनम, एंड थैंक यू सो मच सलमान एंड नादिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं थोड़ा सा अपने सेशन की तरफ जाने से पहले अपनी जो ऑडियंस है उनसे भी इंटरेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी देर से हमने उनको नहीं सुना। और डॉक्टर शब्बीर अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे आज के चीफ गेस्ट और चीफ ट्रेनर, जो कि इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक इंटरनेट गवर्नेंस के हवाले से जो हमारी डिस्कशन हुई है सलमान के साथ भी और नादिया के साथ भी, तो आपको कैसी लग रही है? और ये सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने आपके साथ शेयर की है, हमसे बहुत सी इसमें से नई इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी, तो एक दो लोग अगर अपना फीडबैक दे दें। क्वेश्चन आंसर सेशन हम बाद में करेंगे, बस जस्ट कमेंट और फीडबैक। एनीवे कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है कुछ भी, अगर किसी के जहन में कुछ है, ताकि जी हमें इस बात का अंदाजा हो जाए कि हम ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो कैप्चा में होते हैं कि मैं कि तो आप जी बहुत। जी, अली साहब, अभी जो सलमान साहब बात कर रहे थे, ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर जब हम कोई पासवर्ड वगैरह या इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, वो कैप्चर वाली चीज आती है। अच्छा, वो कैप्चर अगर हम ब्लाइंड की बात करें तो वो ऑडियो चैलेंज देते हैं। ऑडियो चैलेंज के अलावा जो वो कैप्चर लिखा हुआ भी होता है ना, तो अगर जैसे पार्शियली है कोई, तो वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, इस डिजाइन से लिखा जाता है कि उसको पढ़ने में काफी ज्यादा यानी कि डिफिकल्ट होता है।
तो पीटीए अगर इन चीजों पे करे और शब्बीर साहब जो है ये प्रॉब्लम जो है वो आगे पहुंचाएं कि इस तरीके से इसके आसानी अगर पैदा हो जाए तो वो आसान होगा। और बाकी जो बातें सुनी वो वाकई में कुछ हमारे लिए नई थी, जो हमारे समझने के लिए और उसके लिए बहुत काफी मुफीद थी। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच सलमान साहब। और ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। एडवोकेसी किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से हमें एडवोकेसी करनी चाहिए, इस पे थोड़े से हम बात कर लेते हैं। बिकॉज अभी नादिया के बाद सलमान ने जैसे हवाले से जिक्र किया और कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया कि किस तरह के चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में तो आपको पता चल गया। मैं सीधे बात करना चाहूंगा कि एडवोकेसी हम किस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, हमारे जो चैलेंजेस हैं वो यूनिक हैं। यूनिक इन अ सेंस के हर किसी को नहीं पता होता, और हमारा ये काम है, हमारी ये जिम्मेदारी है, और हमारा ये राइट भी एट द सेम टाइम कि हम अपनी चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में उन इदारों को बताएं जिन इदारों से हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़े, खासतौर पर ऑनलाइन। हम में से बहुत सारे लोग करते ये हैं कि अगर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े होते हैं तो हम अपने साइटेड असिस्टेंस को ले लेते हैं फॉर ए टाइम, फॉर तौर पे हमें लेना भी चाहिए, विच इज़ फाइन। लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हल फौरी तौर पे नहीं होता, फिर हम भूल भुला जाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एडवोकेसी में, और वो क्या है, और वो ये है कि जहाँ पे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उस इदारे को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उनको नोटिफाई किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर तो हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ऐप हो, बैंकिंग की ऐप हो, या हम कोई जॉब पोर्टल पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें आई थिंक हमारी प्रायोरिटी बेसिस पे हमें उस इदारे को एक ईमेल लिखनी चाहिए और उस ईमेल को जो है उसमें अपने चैलेंजेस जरूर बताने चाहिए ताकि उनको अंदाजा हो। बिकॉज होता यह है, मैं क्योंकि अब एक दूसरी साइड से भी देख रहा होता हूँ चीज़ों को, मैं एक आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि बैंक में होता हूँ, तो मैं दूसरे अगर लेंस से भी देखूँ तो बहुत सारे लोगों को इन चैलेंजेस का पता ही नहीं होता कि एक विजुअली इम्पेयर्ड क्या फेस कर रहा होता है, बिकॉज बहुत दफ़ा हाईलाइट नहीं होता। इस हवाले से हमारे विजुअली इम्पेयर्ड एप्स या बैंकिंग एप्स के वाले से तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा काम होना ज़रूरी है। लेकिन किस तरीके से होना ज़रूरी है, हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। एक तो ये है कि हमें अपनी इंडिविजुअल वॉइस तो ज़रूर इसको करनी चाहिए, बट हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसको इंटरेक्ट भी करना चाहिए, सो दैट हमें पता चल सके कि हमारे अलावा और कौन कौन ये फेस कर रहा है, और फिर सेलेक्टिव वॉइस के तौर पर में जो है वो अपनी आवाज उठानी चाहिए सर्टेन चैलेंजेस के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में। इसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि हम ईमेल कर सकते हैं उस इदारे को, क्योंकि हर इदारे की वेबसाइट पे जो है वो उनका ईमेल एड्रेस वहाँ पे मेंशन होता है, फोन नंबर मेंशन होता है, तो हम अपने चैलेंजेस को डॉक्यूमेंटेड कर दें और उस चैलेंजेस को वहाँ पे लेके आए। अच्छा, दूसरा इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कलेक्टिव वाइज कोलेबोरेशन। हमें इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ इदारों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और अपने कोवर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। शबीर रवान साहब की अगर हम बात करें, शबीर रवान साहब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और आई एम श्योर पाथ फाइंडर के तौर पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। आपने सुना भी होगा रिसेंट टाइम में, आप में से कुछ लोगों के पास उनके मैसेजेस भी आए होंगे, एक प्राइवेट बैंक के साथ इनकी मीटिंग भी हुई थी और इन्होंने कुछ इश्यूज हाईलाइट किए थे। मैं चाहूंगा जब शबीर साहब अपना डिस्कशन कर रहे हैं तो वो बताइएगा अभी कि किस तरीके से उन चैलेंजेस को जब उन्होंने हाईलाइट किया तो उस इदारे ने और उस पे कितना पॉजिटिव उस पे रिस्पॉन्स दिया। इसके साथ साथ जो एक और तरीकाकार हो सकता है और वो ये कि हम अपने चैलेंजेस को अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं, हम उन पे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, और खास तौर पर ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, और प्रोफेशनल अगर किसी प्राइवेट प्राइवेट इदारे के साथ हम काम कर रहे हैं तो आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमें उस इदारे को टैग करके बताना चाहिए कि बीइंग ए इंडिविजुअल मैं कितना फेस कर रहा हूँ, और बाकी लोगों को भी टैग किया जाए जो हमारे साथ इस हवाले से चैलेंजेस कर रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया ईमेल पे आपने बात करनी है, दूसरा
दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने इस हवाले से डिस्कशन करनी है बाकी लोगों के साथ जो फेस कर रहे हैं, और फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए, ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन हो गया, और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बिकॉज जब आप पब्लिकली मेंशन कर रहे होते हैं चीज़ें, और मैं ये नहीं कह रहा, इस बात को बिल्कुल गलत मत लीजिएगा कि आप अपने गुस्से का इजहार करें, बट आप उसको पोलाइटर वे में भी अपने जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो इदारों तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे को जो है वो बताएंगे कि आपके क्या कंसर्न है, तो वो उससे यकीनन गौर करेगा। इस हवाले से आई थिंक हमें बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड हमें कुछ प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की जरूरत है। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप पे जो है वो हम जो है ग्रुप्स बना सकते हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हो, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के बाद से, और मे बी हम इस ट्रेनिंग सेशन के बाद एक ग्रुप बना भी दें जिसमें हम जो है वो इस हवाले से चैलेंजेस के हवाले से बात कर सकें। हमारे कुछ और एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में हम उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें हम फोकस कर लें कि हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के हवाले से जो है वो बात करेंगे। इसमें ऑथेंटिक वॉइस का होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चैलेंजेस अपनी स्टोरी के जरिए, फर्स्ट हैंड नॉलेज के जरिए पहुंचाएं, और जो इशू हमने फेस किया, ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड ने सुना और एक्स वाई जेड के साथ ये हुआ, ज़्यादा बेहतर ये होगा और ज़्यादा ऑथेंटिक ये होगा कि अगर हमारे साथ वो इशू है तो हम उस इशू को अपने पूरी टेलिंग के अंदाज में, नरेशन के अंदाज में वो इशू करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से पता हो। दूसरा, इसमें एक और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये कि हमें ऐसे लोगों को कनेक्ट करना है जो कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की रखते हैं, उनको पता है कि वेबसाइट किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी होती है, किस तरीके से एक्सेसिबल बनाई जा सकती है। तो ऐसे लोगों का एक वॉलंटियर नेटवर्क भी हम बना सकते हैं जिसमें हम उनसे वो फीडबैक लें, रिव्यू लें, और उनके साथ उन इदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल फीडबैक भी हम शेयर करें, और ताकि सिर्फ मसला हाईलाइट करना जो है वो हमारा काम नहीं होना चाहिए, बल्कि मसले का जो सोल्यूशन है उसको भी हाईलाइट करना हमारा काम होना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से हम डिजिटल एडवोकेसी कर सकें, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी करवा सकें और एक डिजिटल पाकिस्तान बना सकें। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और आई एम श्योर आप सब लोग और हम भी इसके बाद शबीर रहमान साहब को सुनने के लिए जो है वो मुंतजर हैं, बेताब हैं, बिकॉज पाकिस्तान से जब तक इस एरिया में एक्सपर्टीज रखते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया में जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं और जिनका ये डोमेन है वो शबीर रहमान साहब हैं, और शबीर रहमान साहब के जब आप कॉन्वर्सेशन सुनना शुरू करेंगे तो यकीनन आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा। बिकॉज हमने जो एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उसमें शबीर साहब ने हमें ऑल द वे डिफरेंट शहरों से इस्लामाबाद बुलाया था 3 दिन के लिए, और 3 दिन के लिए हमें इंटरनेट गवर्नेंस के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी जिसमें बहुत सारा सेशन वो खुद भी करते थे और कुछ स्पीकर भी होते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो ट्रेनिंग हमने खुद दी है जिसमें शबीर साहब वो सिर्फ हमारे तक महदूद ना हो बल्कि उसको हम आगे भी लेके आए और नई सुबह के प्लेटफॉर्म से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे स्टाफ के लिए वो जो है ट्रेनिंग हम पहुंचा सकें, जिसके लिए हम बहुत मशहूर हैं। हम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शबीर रहमान साहब जिन्होंने टाइम निकाला। यस अनु, ओवर टू यू। थैंक यू अली खान तरीन। और अब वो उसकी तरफ जा रहे हैं हम, जिसका हम बहुत देर से वेट भी कर रहे थे। जैसे कि अली ने भी बताया, डॉक्टर मोहम्मद शबीर रवान, जो कि एक एनालिस्ट हैं और स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, उनकी एक्सपर्टीज है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट गवर्नेंस, पॉलिसी फॉर्मेशन और ये पाथ फाइंडर सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। और ये रिसर्चर है एनडीयू में और इनका वास्ट एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का। और इन्होंने खुद भी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की, जैसे कि अली खान तरीना और बाकी नादिया और सलमा खालिद ने बताया आप लोगों को। तो उसमें से सलमा खालिद, नादिया और अली खान तरीन ने अटेंड भी की वो कॉन्फ्रेंस। तो अब मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद शबीर अवान को।
और चाहूंगी कि वो हमसे शेयर करें इंटरनेट गवर्नेंस के हवाले से चीजें इंफॉर्मेशन। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद शबीर अहमद सर। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो नई सुबह और अली खान तरीन, सबा, अनम, सलमान और तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और इतने भरपूर अल्फाज में खुशामदेद कहने के लिए भी और एक्नॉलेज करने के लिए भी। बड़ी खुशी हो रही है सलमान खालिद को, अली खान तरीन को और सबा को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी, एडवोकेसी के ऊपर बात करते हुए सुन के। इंटरनेट गवर्नेंस बेसिकली एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और उसके अंदर ये जो तीनों शोबे हैं जिनके ऊपर आज हमने बात की अभी पिछले आधे घंटे और सौ में, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, एडवोकेसी और उसके साथ साइबर एंड प्राइवेसी, ये सारे के सारे ऐसे मौजूदात हैं जिनके साथ आप 10 मिनट में या इंटरनेट गवर्नेंस के साथ कोई 1-1.5 घंटे की डिस्कशन में इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करेंगे कि दोस्तों को कुछ चीज़ें समझ आ जाएं। और सबा ने बड़े अच्छी तरीके से प्राइवेसी के ऊपर बात की, अली खान तरीन ने एडवोकेसी की कुछ टेक्निक्स बताई, सलमान खालिद ने डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात की। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक स्पेक्ट्रम में देखने के लिए, एक जगह पे रखने के लिए अगर हम समझे ना, समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जाती है। लेकिन ये डिस्कशन मेरे ख्याल से ज़रूरी इस वजह से है करनी कि ताकि बैकग्राउंड हमें समझ आ जाए। और वो बैकग्राउंड समझने के लिए मैं आपको अगर मिसालों से वाजे करने की कोशिश करूं, तो जैसे एक रियासत होती है ना, एक मुल्क होता है, उसका एक निज़ाम है, और उस निज़ाम को चलाने के लिए बहुत से इदारे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं, कुछ सूबाई लेवल पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कुछ मुल्कगीर लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस सारे के सारे निज़ाम को गवर्नेंस का निज़ाम कहते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट क्योंकि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और आल्दो के कोई इसका कोई इसकी एक हुकूमत या एक इस तरह का इदारा नहीं है जो इसके लिए काम कर रहा हो, बहुत सारे इदारे हैं जिनके अपने अपने काम हैं और वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेट की डेवलपमेंट में भी, इसकी स्मूथ फंक्शनिंग में भी, और इसके मुख्तलिफ जो काम हैं उनको सर अंजाम देने के लिए ये इदारे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो जो इंटरनेट की गवर्नेंस है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाने की जरूरत है कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। तो एक तो इसके अंदर टेक्निकल कम्युनिटी है, क्योंकि जो लोग वो ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग जो इंटरनेट को, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहलाता है ना, कि एक कंप्यूटर पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, अभी हम यहाँ पे इवन इस कॉल पे भी 29 लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि 29 घरों में, 29 कमरों में हम अलग अलग अपने अपने कमरों में बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट ही की वजह से कनेक्टेड हैं। लेकिन जो मेरी आवाज़ आप 28 लोगों तक पहुंच रही है, या उससे मेरे से पहले जो स्पीकर्स की आवाज हम सब लोगों तक पहुंच रही थी, ये आवाज क्या मेरे मोबाइल से निकल के डायरेक्ट आपके मोबाइल तक आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मोबाइल से जो मैं भी अपने कमरे में बैठ के जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल का माइक इसको कैप्चर कर रहा है। कैप्चर करने के बाद इसमें मेरे जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके ज़रिए से मैं मोबाइल इंटरनेट का डाटा ले रहा हूँ, उसने उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए जो भी कंपनी है उसके सर्वर्स तक पहुँचाई है ये बातचीत। फिर वहाँ से जूम जो कंपनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किया इस कॉल को कनेक्ट करने के लिए, उस तक ये बातचीत पहुँचती है। उसके बाद फिर जो आप लोग जो रेसिपिएंट्स हैं मेरी आवाज़ को सुनने के,
जैसे अनम इस वक्त मुझे पता है अली तरीन है, ये कराची में बैठे हुए हैं, सलमान खालिद इस वक्त लैया में गालिबन फिर रहे हैं, तो उनका जो मोबाइल का या फोन का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उस तक ये आवाज़ पहुंची, और उसके बाद उनके मोबाइल नंबर या घर जो भी उनका इंटरनेट का जो जो भी रेसिपिएंट पॉइंट था वहां तक वो आवाज़ पहुंची, और उसके बाद उनके स्पीकर मोबाइल डिवाइस के जरिए से ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्मूथ और इतना फास्ट है कि शायद आधी दुनिया का चक्कर लगा के मेरी आवाज़ आप तमाम अहबाब तक, 28 लोगों तक ये आवाज़ विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स का भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऑलमोस्ट रियल टाइम में आप तमाम अहबाब तक ये आवाज़ पहुंच रही है। तो ये इतने इतना सारा काम, इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी कनेक्टिविटी कैसे हो जाती है, ये समझाते हैं जब हम इंटरनेट गवर्नेंस की डिस्कशंस में आते हैं। और इंटरनेट गवर्नेंस की ट्रेनिंग कराने का मकसद ये है कि जब लोग इन डिस्कशंस में जाएं, मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस चल रही होती हैं, जैसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात की सलमान खालिद ने कि ज़रूरी है हमारे लिए, कैप्चा की बात हुई यहाँ पे, हमारे एक दोस्त ने, सलमान साहब थे जिन्होंने ऑडियंस में से भी अपना फीडबैक दिया, तो ये बात की कि जी हम लो विजन के हवाले से बातचीत की कि ये लो विजन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उस कैप्चा को पढ़ना। तो चलें उसकी हम डिटेल डिस्कशन में नहीं जाते इस वक्त, लेकिन ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारे के सारे इश्यूज हम ना ही तो पहले अशखास हैं इस दुनिया में जो फेस कर रहे हैं, और ना ही हम पहले अशखास हैं जो इन सॉल्यूशंस का, इन प्रॉब्लम्स का हल तलाश कर रहे हैं। जब से इंटरनेट बना है दुनिया इस तरह के इश्यूज को फेस कर रही है, और उन मसाइल का हल भी तलाश किया जा रहा है, हल तलाश किया जा चुका भी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एज एन एडवोकेट, एज अ कंट्रीब्यूटर, एज यूज़र जहाँ पे भी जाएं, हमें हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद हो, रिक्वायर्ड नॉलेज मौजूद हो, के बजाय इसके कि हम दोबारा से किसी काम को शुरू से करवाने की कोशिश करें जहाँ से काम हो चुका, जहाँ तक हो चुका, जो सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई हो चुके उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। अगर हम हर दफ़ा 1.5 इंच की अपनी ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे और काम दोबारा से शुरू से करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, बहुत सारे मसाइल भी आ जाएंगे इस सारे मामलों के अंदर। तो इसलिए इंटरनेट गवर्नेंस की ट्रेनिंग्स जो दी जाती हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हमने भी यहाँ पे दिसंबर में इस्लामाबाद में अरेंज करवाई, उसकी वजह यही थी कि लोगों को, अपने दोस्तों को इंटरनेट की अहमियत, उसकी कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता कि कौन कौन से वो एडवोकेट्स हैं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे जाके मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ अगर आपको फेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप, जैसे अली खान तरीन ने बैंक की बात की कि बैंक की एप्स हैं और बैंक में आपको कोई ऐप, कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा है, तो अगर हम हर मसला शुरू में डायरेक्टली हम स्टेट बैंक के पास लेके जाना शुरू कर देंगे, तो स्टेट बैंक के पास सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही नहीं है जिनके मसाइल उन्होंने हल करने हैं, पूरे पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर्स के, बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स जो भी हैं, जो भी इश्यूज कस्टमर को फेस करने हैं, या बैंकों को जो कस्टमर से इश्यूज हैं, दुनिया को जो पाकिस्तान से फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हैं, बाहर जो बंदे बैठे हैं उनको अगर किसी पाकिस्तान के बैंक से कोई मसला है, तो सारे के सारे मसाइल स्टेट बैंक ने हल करने हैं। तो स्टेट बैंक के पास जाना मुफीद हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें स्टेट बैंक से क्या चाहिए। उससे पहले हमें जो रेलिवेंट बैंक है, अगर किसी के साथ हमारा कोई मसला है, किसी बैंक के साथ कोई इश्यू हमें फेस करना पड़ रहा है, मिसाल के तौर पे हमें HBL में काफ़ी सारे, मेरा क्योंकि अपना भी अकाउंट एक प्राइवेट बैंक HBL में है, तो हमने कुछ दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी जो iOS ऐप है, आईफोन यूजर्स के लिए जो ऐप है, उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज थे। अब जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, क्योंकि मैं दोनों फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड भी यूज़ कर रहा हूँ और iOS भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एंड्रॉयड के ऊपर
जो HBL की ऐप है वो बहुत अच्छी है, बहुत मजे की ऐप चलती है, लेकिन iOS के ऊपर उसमें सर्टन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो क्या इसका हल ये था कि हम स्टेट बैंक के पास जाते और कहते कि नहीं जी, इनका आप HBL का कुछ जुर्माना कर दें या इनका सर फाड़ दें और इनको इन्होंने ये ऐप एक्सेसिबल नहीं की iOS यूजर के लिए। इसका हल ये हो सकता था, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता होता जो लंबा रास्ता होता कि हम पहले स्टेट बैंक के पास जाते, स्टेट बैंक को वक्त मिलता, अच्छा जी पहले हम तो हमें स्टेट बैंक को टाइम निकालते वो कि जी हम पहले इनकी बात सुनने के लिए हमें कब वक्त मिलेगा। अच्छा बात सुन ली, अब हमने कब इम्प्लीमेंट करना है इसको, HBL को इंस्ट्रक्शंस भेजनी है, किसी ने कोई बैठ के कोई बाबू होगा जो लेटर लिखेगा HBL को और HBL के पास पहुंचेगा, फिर HBL वाले अपना इश्यू देखेंगे। अब हमने इशू कुछ बयान किया होगा, हो सकता है बाबू को कुछ और इशू समझ आए, उसने लेटर में वो कुछ और चीज मेंशन कर दे, तो HBL वाले को कुछ और समझ आए, वो किसी और चीज को जाके एड्रेस करना शुरू कर दे। तो ये हो सकता है कि जब सेकेंड और थर्ड पार्टी के जरिए से रेफर इंफॉर्मेशन HBL तक पहुंचती तो इंफॉर्मेशन के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते थे। हमने इसका हल जो तलाश किया वो ये तलाश किया कि HBL की किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को पकड़ा जाए। वो हमारे एक दोस्त थे कनाडा में, उनके एक रेफरेंस से हमें CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का रेफरेंस मिल गया। तो उनकी जो डिजिटल जो डेवलपमेंट की टीम है, ऐप डेवलपमेंट टीम, उनके साथ हमारी मीटिंग हो गई, उनको हमने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई कर दिए और उन्होंने हमें अश्योरिटी भी दिलवाई है कि जो नेक्स्ट अपडेट आएगी HBL ऐप की उसमें वो इन इश्यूज को फिक्स कर देंगे। ये तो वो उसकी डिस्कशन भी थी और उस सवाल का जवाब भी था जो अली खान तरीन ने उसको रेफर भी किया। तो इसी तरीके से जो इंटरनेट गवर्नेंस है, इसमें बेसिक जो तीन चार इदारे हैं, मैंने टेक्निकल कम्युनिटी की बात कर दी, जो इंजीनियर्स हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स, इंटरनेट इंजीनियर्स, जो आपके बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशंस के अंदर नहीं जाता, लेकिन आप वेबसाइट जो टाइप करते हैं, तो मिसाल के तौर पे google.com, तो जो डॉट कॉम है, डॉट के बाद जो COM का लफ्ज़ है, या आपने टाइप किया जियो पाकिस्तान .gov.pk, तो .pk जो लफ्ज़ हैं, दो कैरेक्टर हैं, ये कहलाते हैं टॉप लेवल डोमेन्स TLDs। और ये जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, इनको इनकी एक डायरेक्टरी बनती है जो कि अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। कंप्यूटर हम तो ये कहते हैं ना google.com, लेकिन कंप्यूटर को जब google.com लिखना होता है तो उसकी ASCII कैरेक्टर्स होते हैं। मैं अगेन उस टेक्निकल डिस्कशन में जाए बगैर, जो बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जीरो और वन जिसको कहा जाता है, उसमें google.com एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है। तो उसको याद रखने के लिए जो आइकन का एक डेटाबेस है, उनकी एक डायरेक्टरी है जिसमें तमाम की तमाम वेबसाइट्स जो हैं वो उनकी डायरेक्टरी को मेंटेन करती है, टॉप लेवल डोमेन्स की .com, .org है, .net है, .pk है, .ngo है। आजकल तो तकरीबन कोई 1100-1200 से ज़्यादा टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो आप मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स खरीद सकते हैं, .asia है। इनके नीचे फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो खरीदी जाती हैं, दुनिया में चल रही हैं। आप कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं, जिस सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट स्टोर होती है, वो जाके उसको हिट करता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मैंने आपको सारे का सारा प्रोसीजर पहले डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से हमारी आवाज़ पहुंचती है, इसी तरीके से आपकी कमांड भी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए से होते हुए आपकी इंटरनेट जो वेबसाइट है उस तक पहुंचती है, और वो आपके कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वेबसाइट ओपन हुआ करती है। तो ये जो सारे का सारा निज़ाम है इसको चलाने के लिए, अच्छा पिछले दिनों में ये जो चल रहा है इसराइल फिलिस्तीन वाला जो मामला चल रहा है, उसकी वजह से अटैक्स भी होते हैं। आपने सुनना होगा कि जी अंडर सी केबल जो है वो डैमेज हो गई है, या अंडर सी केबल कट गई है, पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बंद हो गया है, तो उसकी क्या वजह है? अब इंटरनेट बंद होने की वजूहत भी बहुत सारी होती हैं, तो उसमें एक तो वजह यह है कि केबलें जो समुंदर से कनेक्ट कर रही हैं दुनिया को, इंटरनेट को,
रबते का जरिया है, वो उसके अंदर कोई डैमेज आ जाए, उसके ऊपर काम हो रहा हो तो कुछ वजह से नेट को रोक दिया जाए, या कुछ हुकूमतें जो होती हैं वो किसी वजह से सर्विस को, इंटरनेट की सर्विस को रोक देती हैं। इंटरनेट तो आपके मुल्क में आ रहा है लेकिन आपकी डिवाइस तक उसकी एक्सेस नहीं है, तो इसको इंटरनेट शटडाउन का नाम दिया जाता है। तो दूसरी जो मेन एक्टर है टेक्निकल कम्युनिटी के बाद, जो इसका मेन एक एक्टर होता है इंटरनेट गवर्नेंस में, वो आपका यूज़र भी होता है, और आपका रोल वहाँ पे एज अ यूज़र आता है। आपके लिए मसला सिर्फ ये नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट होते हुए आपको इंटरनेट जो दिया जाए वो एक्सेसिबल दिया जाए, या जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो एक्सेसिबल हो, उससे पहले अगर इंटरनेट होगा तो आप इस वेब एक्सेसिबल कंटेंट की बात करेंगे ना, तो उससे पहले आपको इंटरनेट भी चाहिए। तो ये एक हर यूजर का मसला है, अगर किसी जगह पे इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो वो शटडाउन ना हो, स्पीड उसकी डिस्टर्ब ना हो, स्पीड जो एक्चुअल कमिटेड स्पीड है वो स्पीड प्रॉपर दी जाए, डाटा उसकी जो बैंडविड्थ है उसके अंदर इम्पैक्ट ना आए। तो ये सारे के सारे इश्यूज मुख्तलिफ जगहों पे जब कोलेट कर रहे होते हैं तो इंटरनेट की आपकी जो गवर्नेंस है उसके उसके जो मुख्तलिफ किस्म के एक्टर्स और फैक्टर्स इवॉल्व होके आपका एक इंटरनेट गवर्नेंस का निज़ाम बनाते हैं। फिर इंटरनेट गवर्नेंस के अंदर बहुत सारी एनजीओस का रोल आ जाता है, जैसे मैंने आपसे बात की कि इंटरनेट शटडाउन होते हैं, इंटरनेट के जो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं, तो इंटरनेट को भी एज अ ह्यूमन राइट कंसिडर किया जा रहा है। एक्सेस टू इंटरनेट इज अ ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट की जो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेसिफिकली इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं कि इंटरनेट जो है मुख्तलिफ इलाकों में, दुनिया में, मुख्तलिफ रीजन्स में फ्री हो, ओपन हो, स्टेबल हो और सिक्योर हो, कनेक्टेड रहें, दुनिया को डिस्कनेक्ट ना किया जाए। इसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्ड, वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो स्टेक होल्डर होती हैं, क्योंकि जो जो इंटरनेट का यूज़ रिस्पॉन्सिबल यूज़ है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इलिसिट एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उनसे बचाने के लिए, शहरियों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम हो जहाँ पे गवर्नमेंट्स का रोल आ जाता है। फिर जो यूएन का रोल भी इसके अंदर आता है इंटरनेट के अंदर, और आईटीयू जो कि इंटरनेट को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो तो टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जितनी भी ये कंपनीज हैं इनका रोल आ जाता है इंटरनेट की डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि इंटरनेट का जितना भी ढांचा खड़ा हुआ है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो ये कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये उस स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने में, उस स्टेबल स्ट्रक्चर को फंक्शनल रखने में मदद दे रही होती हैं, अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। बाकी अगर आप दोस्त अहबाब, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मैंने बातचीत कर ली है इस चीज़ के हवाले से। पीटीए, हाँ पीटीए के बारे में बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज का रेगुलेटर है, उनको रेगुलेट करता है, उनकी पॉलिसीज बनाता है, वो बहुत ज़्यादा काम कर भी रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी, MOITT के अंदर, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो काम कर रही है पाकिस्तान की टेलकोज को रेगुलेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से इन्होंने पहले भी काफ़ी सारा काम किया, पीटीए ने 2016-17 में, 18 में, उस वक़्त के चेयरमैन डॉक्टर इस्माइल शाह ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ मिलके काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करवाई, वेबसाइट्स को एक्सेसिबल करने की बातचीत चल रही थी, दरमियान में थोड़ा सा पाज आ गया, और अभी हमने दोबारा से जो अभी के चेयरमैन पीटीए हैं डॉक्टर जनरल रिटायर्ड हफीज़ और रहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ और रहमान साहब, उनके साथ पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ने भी, मैंने भी बातचीत की है, और वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से काम करने के लिए। पीटीए ने मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स भी लिए हैं। पीटीए पिछले दिनों में फरवरी के महीने में, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि एक ब्रीफिंग हुई अथॉरिटी को, जिसमें के पीटीए के जो सीनियर लीडरशिप थी, डायरेक्टर्स और डायरेक्टर जनरल्स और
चेयरमैन बजाते खुद, उनके जो पीटीए के मेंबर्स रहते थे वो भी शामिल थे उसमें, पाथफाइंडर सॉल्यूशंस की तरफ से मैं भी शामिल था उसमें, और एक दो और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी। उनको उन्होंने एक पूरे एक रोड मैप दिया है, एक प्लान दिया है जिसमें के मुख्तलिफ जो मोबाइल कंपनीज हैं, टेलकोस हैं, क्योंकि पीटीए का अख्तियार, अब देखें हम जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं किससे क्या डिमांड कर रहे हैं ये भी हमें जेहन में रखना है। तो अगर हम ये करेंगे कि जी पीटीए तमाम की तमाम पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेसिबल कराना शुरू कर दे तो ये पीटीए का डोमेन नहीं है, हम पीटीए से डिमांड करना शुरू करेंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, ज्यादती भी हो जाएगी और शायद फिर हम गलत जगह पे जाके हम कह रहे होंगे कि जी आप ये काम, मतलब अगर आप सुई गैस के दफ्तर में जाके कहें कि जी मेरा बिजली घर में खराब हो गई है तो यही इसी तरह का कुछ नतीजा निकलेगा। तो जो राइट फोरम होना चाहिए इसके लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की होनी चाहिए, नई गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उम्मीद यही है कि जैसे ही ये काबीना फाइनल होती है और कोई नए आईटी मिनिस्टर सिटिंग होते हैं तो उनको भी हम लिखेंगे, बातचीत करेंगे, एक आईटी पॉलिसी जो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से लॉन्च की गई थी 2018 में, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से एक पूरा चैप्टर मौजूद है, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी का पूरा चैप्टर मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत करनी है, अभी बातचीत की ज़रूरत होगी। तो ये कुछ मेरे ख्याल से डिसजॉइंटेड थॉट्स थी, मैं इसको डिसजॉइंटेड थॉट्स इसीलिए कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जिक्र कर दी, मुझे नहीं अंदाज़ा कि हमारे जो यहाँ पे लिसनर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उनको कितनी चीज़ें समझ आई, कितनी चीज़ें मेमोरी में रह गई, लेकिन आई विल स्टॉप हेयर, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद शबीर। और अब हम ओपन कर लेते हैं फ्लोर को क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप अपना माइक को अनम्यूट करके वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद शबीर अवान से। यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कशन हुई है उससे रिलेटेड जो भी आप पूछना चाहें या पूछ सकते हैं। सर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। शायान फ्रॉम नई सुबह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चीज भी ऐसी इंटरनेट इंटरनेट गवर्नेंस में आएगी, जैसे मैं अभी रिसेंटली बात करूं कि हमारी जो एक फूड पांडा ऐप आप सब हम सब भी यूज करते हैं, तो अगर वो पहले एक्सेसिबल थी और अब एक्सेसिबल नहीं, और अगर हम उसको दुरुस्त करने के लिए उन तक एक बात पहुंचाएं या कोई चीज पहुंचाए, तो ये भी इंटरनेट गवर्नेंस में आएगी, एक चीज ये। और सेकंड इसी के पैराए में आप मुझे उसका आंसर कीजिएगा कि हम उनको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, मतलब हर ऐप के कोई जैसे वेबसाइट पे तो अवेलेबल होता है ना कि जी कॉन्टेक्ट अस, उनमें उनका किसी ना किसी ऐसे पर्सन का एड्रेस होता है जिसपे वो हमें हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन में भी इसी तरह कोई ऑप्शन होते हैं, क्योंकि फूड पांडा की अब ऐप बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं रही, तो अगर मैं उस पर कुछ लिखना चाहूँ, उनको बोलना चाहूँ बींग ए विजुअली इम्पेयर्ड, तो कैसे कर सकता हूँ? जी फैन साहब बहुत शुक्रिया क्वेश्चन का। बिल्कुल ये इंटरनेट गवर्नेंस का इशू है, कंटेंट रेगुलेशन का इशू है और कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी का इशू है। ऑल्दो कि ये एक ऐप है और इंटरनेट गवर्नेंस जो है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल कंपनीज उसके हवाले से बातचीत नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट स्टिल क्योंकि कंटेंट एक्सेसिबिलिटी है तो कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट गवर्नेंस का मौजू जरूर बनता है। लेकिन इंटरनेट गवर्नेंस के अंदर ये मौजू ज्यादा बनेगा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का, क्योंकि फूड पांडा जो है एक ऐप है और उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसके कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी करवानी है हमें, उसकी नेटवर्किंग में, उसकी एक्सेस में एज सच कोई इश्यू फेस नहीं करने पड़ रहे। तो ये बेसिकली इश्यू बनेगा कंटेंट एक्सेसिबिलिटी का। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि उसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, कैसे एक्सेस किया जाएगा, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका कि आज अभी तक जितनी भी एप्स हैं किसी न किसी वेबसाइट के साथ लिंक होती हैं, और मेरे ख्याल से गालिबन फूड पांडा भी ऐप जो है वो foodpanda.com के साथ वेबसाइट इसकी बैकएंड पे चल रही होती है। एक तो वो है। दूसरा अली खान तरीन ने बताया लिंक्डइन सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत एक यूजफुल और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने इश्यूज को इस तरह के बिजनेसेस तक खास तौर से पहुंचाने के लिए,
कि आप अगर एक इस तरीके से आप यहाँ पे 27 28 लोग इकट्ठे हैं, और अगर आप खुद ही आपस में एक चीज तय कर लें कि जी हमने जो इश्यूज इस तरह के होंगे, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो लाइक और शेयर करना होता है। तो एक बंदा अगर इसी को फ्लैग कर दे और उसके बाद उसको 27 28 लाइक फौरन से ही मिल जाते हैं, तो वो इश्यू फौरन से उसके ट्रेंड्स की तरफ जाना शुरू। अगर आल्दो के 27 28 लाइक्स और शेयर के साथ ट्रेंड नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक अच्छा कंपनी के ऊपर इम्प्रेशन पड़ सकता है कि जब कंपनी को टैग हो रहा होगा और इतने यूजर उसको कमेंट कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, तो कंपनी जो है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बिजनेसेस आमतौर पे कंपेल हो जाते हैं, क्योंकि पीयर और पब्लिक प्रेशर आता है, उनको अपनी रेटिंग्स भी चाहिए होती हैं और उनको अपनी गुडविल भी दिखानी होती है। दूसरी चीज जो हो सकती है, जो हमने किया HBL के केस में, उसी केस स्टडी को फॉलो किया जा सकता है, और उसमें ये हो सकता है कि फूड पांडा के किसी सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन के किसी बंदे को अप्रोच किया जाए और उससे बातचीत की जाए कि जी देखें आपका तो काम ही यूजर को यूजर के जरिए से चलता है, आप ऐप जो है वो यूजर आपकी अगर एक देखें एक नंबर्स जो होती है, नंबर गेम जो होती है वो बड़ा कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट होता है। और नंबर गेम से मुराद मेरी ये है कि जब WHO के स्टैट्स ये कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 से 15% हैं आबादी का, तो यही आर्ग्यूमेंट फूड पांडा के सामने रखा जा सकता है और उनको कहा जा सकता है कि जी देखें आप 10 से 15% आबादी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये भी आपके यूजर्स हैं, ये भी आपके कस्टमर्स हैं, और ये ज्यादा लॉयल कस्टमर है, क्योंकि इसके लिए जो दूसरा कस्टमर है उसके लिए तो अगर ऐप नहीं चलेगी तो शायद यहाँ से 200 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर बाइक पे जाना भी मसला नहीं होगा, वो जाके कोई चीज़ अपने लिए फेच कर सकता है। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके पास अगर ये एक्सेसिबल ऐप की शक्ल में एक चीज़ मौजूद होगी तो वो ज़रूर आपकी ऐप को इस्तेमाल करेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, उनको आर्ग्यूमेंट के जरिए से, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स के जरिए से मोटिवेट किया जा सकता है। और एक एक्सेसिबिलिटी जो होती है, एक जहन में रखिए हमेशा कि जो इनएक्सेसिबल ऐप है वो तो हो सकता है कि पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या पर्सन विद हार्ड ऑफ हियरिंग या फिजिकल इम्पेयरमेंट उसको इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन एक एक्सेसिबल ऐप हर किसी के लिए एक्सेसिबल होती है, उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक फूड पांडा को ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल किया जाएगा तो वो साइटेड लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भी एक केस होता है। और तीसरी चीज ये भी देखी गई है कि जो एक्सेसिबल एप्स होती हैं वो जो कस्टमर है उसको ज्यादा, इवन जनरल कस्टमर भी जिसको जरूरत नहीं होती एक्सेसिबिलिटी की, वो भी उसको ज्यादा पसंद करता है। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का कुछ ना कुछ जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलमान सुल्तान जी। बात कर वालेकुम रहा हूँ, सलाम खैरियत से हैं आप? जी। अच्छा शबीर साहब, माजी में एक बात सुनने को मिली थी कि वो ये पीटीए की बात हो रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम किया था कि डिसेबल्स के लिए जो है, तमाम डिसेबल्स के लिए वो पीटीए जो है वो कम से कम एक मोबाइल जो है वो ड्यूटी फ्री करेगी, लेकिन फिर बाद में ये प्रोसेस बीच में रुक गया था। और अभी लास्ट जबकि पीटीए ने जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यहाँ जब आते हैं पाकिस्तान, या कोई भी अगर आता है तो उनके लिए कम से कम 6 महीने, या फिर बाद में उसको मजीद वो अपडेट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, वो अपना मोबाइल यहाँ पे चला सकते हैं। तो डिसेबल के हवाले से ये जो प्रोसेस था ये आपके इल्म में यकीनन होगा, ये रुक गया है या इस पर काम हो रहा है, या मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जो है वो ये काम हो सके कि ड्यूटी सॉरी, मैं फ्री आपका नाम कर। नहीं सुन सका था। सलमान सुल्तान बात कर रहा हूँ, पहचान गए होंगे आप। जी सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। दो के ये इसका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पीटीए के साथ बातचीत तो बस करनी। एक आवाज बीच में आ गया ऐसे ही, जी बात पीटीए की चल रही थी तो जी एक ये जी जी थी जी कि बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ और जरा मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। जी। बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि ये डिस्कशंस काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, और इस पे मेरा आर्गुमेंट जो है वो शायद उससे कुछ लोग इख्तलाफ भी करें, लेकिन जब आप पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ किसी जगह पे जाके आर्गुमेंट करते हैं, तो आपको अपनी कोई स्टेटेड पोजीशंस जो होती हैं वो क्लियर रखनी पड़ती हैं। तो मेरी पोजीशन इसके ऊपर बहुत क्लियर है
ये जो रिलैक्सेशन है ये टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही टैक्स अगर कोई एग्जेम्पशन देनी है तो वो दे सकती है। उसमें पीटीए जो है वो पीटीए का स्टैंस इसके ऊपर बड़ा क्लियर रहा है कि जी हम इसके अंदर जो है वो, क्योंकि हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टैक्स लगाना या टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशन देना पीटीए का काम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कैबिनेट, इन इदारों के काम है। पीटीए तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और उनकी भी बात किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन अभी हमारी बातचीत हो रही है पीटीए के साथ, मैं खुद डिस्कशंस की हैं चेयरमैन के साथ भी और उनके मुख्तलिफ टीम मेंबर्स के साथ भी। उसमें जो मेन कंसर्न है अथॉरिटीज का, और वो है उसका अब्यूज, प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज। अब प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज से मुराद ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के नाम पे बहुत सारी चीजें पहले भी हो रही हैं, तो उसको रोका कैसे जाएगा। मैंने भी इसके ऊपर बातचीत की है, सजेशंस भी दी हैं। जो टैक्स लगाया गया है, और उसमें जो मैंने अपनी पोजीशन की बात की कि मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे ख्याल से तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए अगर पीटीए एग्जेम्पशन नहीं देता या गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नहीं देती, तो तीन स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट्स के लिए ज़रूर ये एग्जेम्पशन होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहली ब्लाइंड है, नंबर टू पे हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड है। ये तीन ऐसी, अगर अगर हियरिंग और डेफ और स्पीच इम्पेयर्ड जो है उनको आप एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं या दो कैटेगरी सेपरेट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम ये तीन कैटेगरीज बनती हैं। और उसका आर्ग्यूमेंट, उसका जो रीजनिंग है वो ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये जो टैक्स लगाया गया है मोबाइल के ऊपर, ये लग्जरी टैक्स है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड जो मोबाइल है पीटीए के पास जो डिवाइस दी जा रही है, जिसके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, मेरे लिए ये लग्जरी नहीं है, मेरे लिए ये ज़रूरत है, नेसेसिटी है। और नेसेसिटी इस वजह से है कि मैं अपने आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ही डॉक्यूमेंट भी रीड कर रहा हूँ, मैं इससे अपनी नेविगेशन भी देख रहा हूँ, मैं इससे रास्ता भी देख सकता हूँ, मैं इसके ज़रिए से अपने शर्ट्स, अपने यूनिफॉर्म, जो अपने मेरे कपड़े हैं उनके कलर्स भी देख सकता हूँ, सीन को डिस्क्राइब करवा सकता हूँ। तो ये एज अ विजुअली इम्पेयर्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक डिवाइस मेरे लिए बहुत सारे काम कर रही है। इसी तरीके से जो स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड हैं उनके लिए भी ये डिवाइस जो है, एटलीस्ट अगर और कोई फंक्शन ना करे ज़्यादा तो कम्युनिकेशन, जो जनरल कम्युनिटी है उनके साथ कम्युनिकेशन का जरिया ज़रूर बनती है। तो उस इन दो ज़रूरियात को सामने रखते हुए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ये एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। उसका जो मैकेनिज्म क्या होगा, अब जो दूसरा सवाल था कि इसका जो अब्यूज़ होगा कि बाकी जो जनरल पब्लिक है वो इसका अब्यूज़, इस फैसिलिटी का अब्यूज़ ना करें, इसको उसको प्रिवेंट किया जाए, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म के ऊपर हमारी अभी बातचीत चल रही है पीटीए के साथ। आप लोग हमारी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह के शायद ये मामला जो है अगले आने वाले चंद दिनों में, उम्मीद यही है कि आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मुफसल जवाब दिया आपने, जज़ाकअल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन है, उमेर अली बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया नई सुबह का और स्पेशली आपका के बेहतरीन सेशन पे। सर दो क्वेश्चन है मेरे। बाज दफा ऐसा होता है ना, कोई एप्लीकेशन एक्सेसिबल तो वो रहती है, एक्सेसिबल इन मानों में कि वो उसमें जो मतलब जो टेक्स्ट होता है, जो चीजें होती हैं वो रीडेबल तो होती हैं हमारे स्क्रीन रीडर के साथ, लेकिन बाज दफा वो चीज हमारे फोन को, हमारे सिस्टम को स्लो कर देती है जब हम उसको स्क्रीन रीडर के साथ यूज करते हैं। इसकी मिसालों में आप फेसबुक को ले सकते हैं कि पिछले 2 साल फेसबुक ने बहुत मसला किया और तकरीबन एक आध हफ्ते से फेसबुक जो है वो ठीक हुई है। पिछले 2 साल फेसबुक अच्छी भली स्लो रही हर मोबाइल पे तकरीबन। और इसी तरह बहुत सारी हमारे नेटवर्क्स के एप्लीकेशन जैसे माई टेलीनॉर वगैरह हैं, इनमें जो फोन की एप्लीकेशन है ऐसी जो कि स्लो करती हैं। अब इस चीज को हम बाज दफा खुद डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते कंपनी के लिए कि हम आया क्या उसको कहें कि एप्लीकेशन क्या इशू कर रही है। और बाज दफा अगर हम कर भी लें, फेसबुक की मिसाल ले लें कि हर बंदे ने ही तकरीबन जो जो इस चीज को फेस कर रहा था फेसबुक को फीडबैक दिया, और उसमें यह ज़ाहिर है एक अच्छी बड़ी कंपनी है मेटा, तो क्या उनको इतना अरसा लग गया कि 2 साल बाद आके जो है वो पिछले हफ्ते इस चीज को ये लोग क्लियर कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो एप्लीकेशन आपके यूज के काबिल रह गई। तो आया मतलब बड़ी कंपनीज भी सुनने में देर करती हैं हमारी बात को, या अगर वो सुनती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो देर लग जाती है, मसाइल क्या होते हैं बेसिकली? अच्छा, इसमें ना उमर, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। एग्जैक्टली आपकी बात
बिल्कुल ठीक है कि इश्यूज तो आते हैं और हर कंपनीज के साथ मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं। अभी जो मेटा की फेसबुक की आपने बात की, मेटा एक ग्लोबल कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी है कि पाकिस्तान जैसी तो शायद दो तीन मुल्क और मिलके आ जाएं तो उनसे ज़्यादा, मतलब और कई मुल्क हो जाएं तो उनसे कई मुल्कों से ज़्यादा दुनिया के मेटा का जो एनुअल बजट है वो ज़्यादा होता है। तो ये लोग भी इस तरह के इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, इन कंपनीज में भी इश्यूज आ रहे होते हैं। अब कुछ तो हमारी डिवाइस के भी समटाइम्स इश्यू होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इश्यूज होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे के एंड के ऊपर होते हैं। आपने जो सवाल पूछा उसके अंदर एक बड़ी की पॉइंट था कि डिस्क्राइब नहीं करना आ रहा होता हमें, हम कैसे इशू को बयान करें। तो ये वो चीज़ है जो जिसके ऊपर जिसकी तरफ मैंने अपने जब मैं बातचीत कर रहा था इनिशियल, तो उसमें मैंने इशारा भी यही किया था कि एज अ यूजर, एज एन एडवोकेट, अगर आपने एडवोकेसी करनी है तो इस चीज़ का जानना जरूरी है, एडवोकेट के लिए जानना जरूरी है। यूजर के लिए तो शायद उसको तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो भी एडवोकेसी कर रहा है एक्सेसिबिलिटी की, जो मेटा के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एज अ यूजर आप बता सकते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एनजीओ इसके अंदर इन्वॉल्व थी, कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था इस इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए, तो उनको दे शुड हैव नोन के ये इशू जो है वो एप्लीकेशन की उसके ग्राफिक्स का मसला होगा, उनकी एप्लीकेशन को ज़्यादा अब देखें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निकल वजूहत हो सकती हैं कि जिसकी वजह से फेसबुक जो है वो आपके मोबाइल को स्लो कर रही है, डिवाइस को स्लो कर रही है स्क्रीन रीडर के साथ। अगर स्क्रीन रीडर के बगैर वो डिवाइस ठीक चल रही है तो स्क्रीन रीडर के साथ उसकी जो टेक्निकल वजह है उसको तलाश करने की ज़रूरत हो सकती है। और उसको अगर टेक्निकल वजह आपको समझ आ जाए तो आप डायरेक्ट मेटा को, फेसबुक को बता सकते हैं कि ये टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से आपका इशू, आपकी ऐप जो है वो हाई वो हो रही है, स्लो कर रही है डिवाइस को, तो आप इस इशू को, इस एरर को फिक्स करें। अगर वो समझ नहीं आती है तो फिर सिंपली इशू बताया जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म के काम हो सकते हैं। लेकिन जो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब है वो यही है कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, कंपनीज फेस कर रही होती हैं, लेकिन उन कंपनीज की एक अच्छी बात यह है कि इस तरह की जो इंटरनेशनल लेवल कंपनीज होती हैं वो अपने इश्यूज को कॉन्स्टेंटली फिक्स भी कर रही होती हैं। अब मुझे नहीं अंदाजा कि ये दोस्त, क्योंकि मैं एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल नहीं करता, तो इस वजह से मुझे अंदाजा नहीं है कि ये 2 साल क्यों लगे इस इशू को फिक्स होते होते, वरना मेरे ख्याल से मेटा जैसी कंपनी के लिए इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 2 साल नहीं लगने चाहिए थे। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, आई एम यूसुफ हियर। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कोई गाइड बुक अवेलेबल है इस चीज के लिए कि एक्सेसिबिलिटी कैसे वेबसाइट पे डेवलप की जाती है फॉर द लोकल यूजर्स? क्योंकि अब हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब से या अपनी यूनिवर्सिटीज से ये चीज सीखते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू मेक द वेबसाइट एक्सेसिबल। सो ये मेरा क्वेश्चन है। और सेकेंडली, क्या हम इस चीज को करिकुलम में ऐड करवा सकते हैं थ्रू द चैनल्स ताकि वेरियस यूनिवर्सिटीज इस चीज पे अमल कर सकें? थैंक यू। जी यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। बिल्कुल गाइडलाइंस मौजूद हैं। सलमान ने जब वो बातचीत कर रहा था तो उसने एक गाइडलाइन का जिक्र किया था, WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। ये वो गाइडलाइंस हैं जो W3C, वर्ल्ड वाइड वेब, आप लिखते हैं WWW किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ये W3C एक ऐसा इदारा है जो कि वेब के ऊपर जो भी लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मुतय्यन करता है। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को, उनकी W3C ही की गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनली डेवलप की जाती हैं, फॉलो भी की जाती हैं, डिज़ाइन भी की जाती हैं, और उनके बाकायदा स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये गाइडलाइंस सेट होती हैं। इसका इस वक्त WCAG 2.2, वर्जन 2.2, वर्जन 2.1 जो वर्जन 1 जो था वो 2000-2001 में कहीं आया था, वर्जन 2 जो था वो 2010-11 में आया था, वर्जन 2.1 था तकरीबन कोई 2016-17 में आया था। एक्सक्यूज मी।
और इस वक्त जो है वो वर्जन 2.2 पे है वो। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे नए इश्यूज सामने आते जा रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर्स, इन इश्यूज को आइडेंटिफाई भी करा रहे हैं कि ये इश्यूज आते हैं और उनके फिक्सेस भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस 2.2 है, इसमें इस वक्त तक की जो नॉन इश्यूज हैं, ज्यादातर जो नॉन इश्यूज हैं उनके फिक्सेस वेब के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, डिजिटल कंटेंट के हवाले से वो इश्यूज उसके अंदर एड्रेस किए गए हैं और उसकी टेक्निकल गाइडलाइंस भी मिलती हैं। प्लस जो आथरिंग टूल्स होते हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं, वो जब मैं आथरिंग टूल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आथरिंग टूल्स की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ टूल्स जो होते हैं उसके अंदर बिल्ट इन एक्सेसिबिलिटी होती है, तो आथरिंग एक्सेसिबल टूल गाइडलाइंस भी इस वेब कॉन्टेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन 2.1 के बाद आपको मिल जाती है उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो जाती है, बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस यूसुफ मौजूद हैं। अब रही बात आपके दूसरा सवाल का जो हिस्सा था उसकी, कि क्या हम इसको किसी कंटेंट में ऐड करवा सकते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी अच्छी ट्रेनिंग होगी यूसुफ, उसका ये गाइडलाइंस ज़रूर हिस्सा होंगी। जो अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में मैंने, सच्ची बात यह है कि जो वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग करिकुलम है उनको ज़्यादा देखा नहीं है, तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता कि वहाँ पे किस हद तक इन इन गाइडलाइंस को पढ़ाया जा रहा है, या इवन कोर्स कंटेंट में भी शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन जो मेरी नॉलेज है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अनम, ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन। एहसन इकबाल सर कराची से, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक। और मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी जो पाथ फाइंडर सॉल्यूशंस है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा इंट्रो, अगर ये हमारी कोई ऐसी बॉडी है जो कि हमें जो है वो रिप्रेजेंट करती है साइबर वर्ल्ड में, तो क्या ये कनेक्टेड है पाकिस्तान में जो दूसरी वेबसाइट्स, लाइक दूसरी बॉडीज हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस की बॉडी है या फ्रीलांसर्स की जो पाफला है, इस तरह की? क्योंकि अब जब से डिजिटाइजेशन का जो ज़माना है, इसमें सब लोगों के लिए डिजिटल अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए हैं, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबिलिटी की वजह से इतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं हो सके हैं। तो अगर हमारी कोई इस तरह की बॉडी हो जो कि इन सारे जो अदर बॉडीज हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनसे कनेक्टेड हो, तो हम जो लोकल क्रिएशन है डिजिटल एक्टिविटीज़ की या डिजिटल जो हमारे टूल्स बन रहे हैं, तो उनमें जो एक्सेसिबिलिटी है उसे जो है वो ज़्यादा तरीके से जो इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है मेरे ख्याल से। जी असन, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और अब अनम या अली तरीन मुझे ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ओके, दैट वाज ऑन द लाइटर नोट। पाथ फाइंडर सोल्यूशंस जो है असन भाई, इट्स नॉट एन एनजीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट नहीं है ये। पाथ फाइंडर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, SCCP इनकॉर्पोरेटेड, आप इसको स्टार्टअप कह लें या इनिशिएटिव कह लें। और ये मैंने पर्सनली स्टार्ट किया है और इसका मकसद बेसिकली वेब ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। वेब ऑडिट्स यही होते हैं कि अगर कोई कंपनी, मिसाल के तौर पे नई सुबह है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहते हैं कि जी हम अपनी वेबसाइट को एक जो वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक एक्सेसिबल करना चाहते हैं, तो हमें कोई बंदा ऐसा हो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी हो, वो चेक करके हमें बता दे कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, ताकि हमारे डेवलपर्स उन इश्यूज को फिक्स कर दें। तो इसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है वेब डेवलपमेंट की इस्तेलाह में, उसको वेब ऑडिट्स कहा जाता है या एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स कहा जाता है। पाथ फाइंडर सोल्यूशंस का जो मकसद है बेसिकली वो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है थ्रू डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। और ये सॉल्यूशंस पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी हो सकते हैं, ये सॉल्यूशंस
टू डिजिटल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जो कि अपनी अपने सॉल्यूशंस को, अपनी वेबसाइट्स को, अपने ऐप्स को, अपने फोरम्स को, प्लेटफॉर्म्स को एक्सेसिबल करना चाहते हों फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो उस सिलसिले में जो अर्निंग का आपका सवाल, अर्निंग से रिलेटेड आपका सवाल था कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो अर्निंग भी कर सकते हैं, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वेब कोडिंग जानते हैं और आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में, वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में नॉलेज सीखना है, तो पाथफाइंडर सॉल्यूशंस एक प्रोग्राम शुरू करने वाला है अभी अनकरीब इंशाल्लाह, जिसमें कि हम जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं और ऐसे दोस्त जो कि वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह जानते हैं, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, एक उनकी एक लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं और उनको हम एक्सेसिबिलिटी, वेब एक्सेसिबिलिटी के सर्टिफिकेट्स करवाएंगे ताकि वो सर्टिफाइड हों। सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ फ्रॉम हेयर, समथिंग फ्रॉम हेयर, समथिंग फ्रॉम देयर वाली इंफॉर्मेशन ना हो, बल्कि इन डेप्थ नॉलेज हो वेब एक्सेसिबिलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से, और वो प्रॉपरली एग्जाम्स होते हैं उसके दुनिया में जिनके बाद लोगों को सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं। तो जो लोग वो सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेंगे उनको पाथफाइंडर के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ किस्म के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके अंदर पार्टनरशिप या शेयरिंग बेस के ऊपर हम जो है वो उनको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी इस बात ज़रूरी बात यह है कि लोग जो डेवलपमेंट जानते हैं, कोडिंग जानते हैं, वो हमसे रब्ता करें और हम उनको ताकि ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएं। आप अगर किसी दोस्त को जानते हैं तो डू सेंड देम अवर वे। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा जानकर। लेकिन मेरा क्वेश्चन स्टिल यही था कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बॉडी है जो कि डिफरेंट लेबल पर्संस को इस साइबर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रही हो, पाकिस्तान में एटलीस्ट। अगर आप पाकिस्तान में पूछ रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में पूछ रहे हैं और एनजीओ लेवल के ऊपर पूछ रहे हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करेंगी, लेकिन नॉलेजेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी नॉलेजेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम पहलुओं को, तमाम एस्पेक्ट्स को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के कवर करती हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। इवन मैं अगर आपको मज़े की बात बताऊं कि पाथफाइंडर सॉल्यूशंस जब मैंने रजिस्टर्ड करवाई, तो उसके बाद हमने पीटीए के साथ मिलके भी और ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस करने की भी कोशिश की कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल एडवोकेसी के ऊपर काम कर रही है। तो बहुत सारी एनजीओस के एजेंडा के ऊपर आपको ये चीज़ एडवोकेसी और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन जब उनका काम देखते हैं तो काम में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही रह जाती है कि जी हमने इतने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, इतने ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दी, या अगर उससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो वो निकल जाते हैं उस चीज़ के ऊपर कि जी हमने इतने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिए। वो भी अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, लेकिन पॉलिसी एडवोकेसी के हवाले से पाथफाइंडर सॉल्यूशंस हैं, और इसके अलावा डेफ टॉक एक डेफ की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा मेरे नॉलेज में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर है आपके नॉलेज में या किसी और के नॉलेज में भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो काइंडली आई वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड कि हम भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें। दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं आल्दो, कि ये ध्यान में रखिएगा। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर रहमान, आपसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, और आगे भी हम आपसे, आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमें उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे आगे भी, जैसे कि अभी भी आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे स्टूडेंट्स को और पार्टिसिपेंट्स को और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। तो थैंक यू सो मच नई सुबह की जानिब से, और नई सुबह खुद मुख्तार प्रोग्राम की जानिब से, और मेरी टीम की जानिब से, और पार्टिसिपेंट्स की जानिब से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक पार्टिसिपेंट्स की बात है, आप लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही वर्कशॉप्स हम करते रहेंगे। और जी थैंक यू सो मच अनम, आपका, आपकी इदारे का, नई सुबह खुद मुख्तार का, और तमाम अहबाब का, सुनने का, क्वेश्चंस का, बिल्कुल किसी वक्त भी आपको जरूरत हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।